नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। खबरों की खबर में आज सबसे पहले बात नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर एनसीआर में तमाम पॉपुलेशन रजिस्टर पर देश में जारी बहस के बीच मोदी सरकार ने जनगणना 2021 पर काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र की ओर से नया गैजेट जारी किया गया है जिसमें जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले कुल 31 सवालों की लिस्ट भी शामिल है। जनगणना के दौरान आम लोगों से कुल 31 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें घर निजी जानकारी से लेकर ये तक पूछा जाएगा कि आप कौन सा अनाज खाते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी ये आदेश उन सभी अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा जो जनगणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इनमें घर में कौन सा टीवी है, पीने का पानी है या नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप है या नहीं, ऐसे सहित कुल 31 सवाल पूछे जाएंगे। तो बता दें कि तमाम विरोध भले ही हो रहा है एनपीआर को लेकर, एनआरसी को लेकर और सीएए को लेकर, लेकिन इस विरोध का मोदी सरकार पर कोई असर नहीं है। मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। अब जनगणना के लिए सवालों की लिस्ट भी जारी की गई है। मकान से लेकर मोबाइल फोन तक की जानकारी आपसे ली जाएगी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर देश में जारी बहस के बीच ये सब अब होगा। मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, वो अब जनगणना 2021 की तैयारी में जुटी हुई है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। अरुण जी, तमाम विरोध हो रहा है सीए का, एनआरसी का और एनपीआर को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हैं। इन सब के बीच अब जनगणना 2021 के लिए मोदी सरकार ने अपना अगला कदम उठा दिया है और 2021 के लिए तकरीबन 31 सवाल भी ऐसे सामने आए हैं जो पूछे जाएंगे, यानी कि कहीं कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा सरकार पर तमाम विरोध का भी। देखिए, सरकार पे विरोध का कोई भी अगर इफेक्ट नहीं है तो ये मैं आप से बताना चाहता हूँ कि अगर इफेक्ट नहीं होता तो ये पुलिस को आगे करके और लोगों को मरवाते नहीं। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं सरकार पहले पुलिस को आगे करती है, अब तो गुंडे भी आ रहे हैं। देखा होगा आपने कि जेएनयू में गुंडे घुस करके एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जिस तरीके की हिंसा फैलाई गई, उन्माद फैलाया गया, वो इस देश के सामने है। और जेएनयू जो है वो केंद्र की सरकार के अधीन है जी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप पूरे देश में, देश के लोग देख रहे हैं आपके माध्यम से और लोग समझ रहे हैं कि सरकार करना क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है। ये देश चलाने नहीं आए हैं, ये देश जलाने आए हैं। और तो ये अरुण जी, जो सरकार की मंशा है, जो सरकार करना चाहती है तो वो तो कर रही है। अगर प्रदर्शन हुए तो सीएए को लेकर तमाम प्रदर्शन हुआ, जेएनयू से मैं हुआ, सड़कों पर लोग उतरे, विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या सीएए में फिर कोई बदलाव हुआ क्या? सरकार ने तो नहीं किया कोई बदलाव। देखिए, वो चीजें बदलाव होंगे और आपको मैं निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जिस तरीके के इनके सवाल होते हैं या जिस तरीके के ये इस देश के ऊपर सीए या एनआरपी, एनपीआर और एनआरसी लागू करना चाहते हैं, वो इसमें बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। ये जबरदस्ती ये देश नहीं चलाया जाता, ये देश प्यार मांगता है, ये देश प्यार से चला है। यहाँ कोई भी अगर आप सोचिएगा कि जबरदस्ती इस देश पे थोपा जाए तो ये देश तो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया। एक आदमी आगे चला और पूरा देश उसके साथ चल के इस देश को आजाद करा लिया, तो ये आपको क्या लगता है कि इन लोगों को बर्दाश्त करेगा?
चलिए, वो तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन अरुण जी अभी जो जनगणना के लिए सवाल सामने आ रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे सवाल हैं जैसे कि क्या आपके परिवार के पास एक टेलीफोन है, मोबाइल फोन कितने हैं, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है। जी ये बहुत ही हास्यास्पद है कि इस तरीके के सवाल रोकना चाहूंगा अरुण जी मैं आपको एक मिनट के लिए। हमारे साथ बीजेपी नेता आरती मेहरा भी जुड़ गई हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। मैं अरुण जी से अभी कुछ सवाल कर रहा था, वो जवाब दे रहे थे। जी अरुण जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हास्यास्पद है जिस तरीके के सवाल जनगणना में ये पूछ रहे हैं। यही सरकार है जो एक तरफ कहती थी कि भैया आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई लीक ना हो, और आपने देखा होगा कि इस पे आपके टीवी ने ही कितने डिबेट कराए कि पर्सनल किसी के इंफॉर्मेशन लीक ना हो। यही व्हाट्सएप पे कहीं लीक हुआ था तो उसपे भी डिबेट हुए थे और सरकार को घेरा गया था। तो आज आप पर्सनल सवाल जनता का लेकर के कहीं ना कहीं कि भैया आप क्या खाते हैं, और ये तो मैं मानता हूं कि अच्छी बात है, सरकार कम से कम जागरूक होकर के ये तो पूछ रही है गरीबों से कि आप क्या खाते हो, क्योंकि प्याज तो पहले उड़ा ले गए, नमक और रोटी बचा है उसके भी बारे में जानकारी ले लीजिए कि भैया रोटी कौन से आटा की बनी है, चपरी की बनी है कि दाल की बनी है कि गेहूं की बनी है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और मैं ये चाहता हूं कि ये भी ये पता कर लें कि भैया आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, आप कौन सा तेल लगाते हो। बिल्कुल है? इसका जवाब भी आरती जी से ले लेते हैं। आरती जी, जनगणना होने जा रही है 2021 के लिए, तो जो सवाल रखे गए हैं उसमें 31 सवाल जो रखे गए हैं कि कितने आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल है, आपका आप किस उससे संबंधित है, घर का मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य श्रेणी से संबंधित है या नहीं है, घर की स्थिति क्या है, किसके लिए घर इस्तेमाल हो रहा है, कितने लोग हैं, घरेलू पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, घर में तमाम अनाज सेवन और तमाम बातें इसमें पूछी जाएंगी। तो क्या ये निजता पर सवाल इसमें नहीं उठेगा कि आप बिल्कुल निजता में अंदर ही घुसे जा रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ उनसे पूछ ले रहे हैं, सब कुछ उनकी जानकारी ले रहे हैं? देखिए ऐसा है, देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां होती हैं सबसे पहले उसकी जानकारी करना बहुत जरूरी होता है। तो दूसरों की निजता भंग कर एक मिनट आप ही बोल लीजिए, फिर मैं छोड़ देती हूँ बात। नहीं नहीं बोलिए। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरे को अपने सामने वाले की क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इस देश में जब ये सरकार आई 2014 में और उसने प्रण किया कि हम शौचालय मुक्त भारत बनाएंगे, ओपन डेफिकेशन बिल्कुल नहीं होगी, और आज आप देखिए किस तरह से कामयाब हुए हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और ये जो कह रहे हैं मोबाइल के डाटा, इसके डाटा, पानी का डाटा, अगर आज मुझे ये नहीं पता कि मेरे देशवासियों में किनके कितने घर ऐसे हैं जिसमें अभी तक जल नहीं पहुंचा। हम आए, हमने कहा 1600 घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, तो उनमें बिजली पहुंचाने के लिए कि कोई भी घर अंधेरे में नहीं रहेगा, ऐसा हमने काम किया। तो सबसे पहले डेटा तो एक बेसिक नेसेसिटी होती है, निजता की बात, जो ओपन चीजें हैं, मोबाइल कितने हैं, ये हमें वैसे भी देश को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि 100 करोड़ से ऊपर मोबाइल है 130 करोड़ की जनसंख्या में। तो जो अगर आपसे डेटा लिया जा रहा है वो निजता के लिए नहीं लिया जा रहा, वो देश की प्रोस्पेरिटी, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की पूरी जो पिक्चर है वो सामने लाने के लिए। जनधन अकाउंट खोले कितने, तो आरती जी ये पता किया जा रहा है कि पानी का स्रोत क्या है, कितने कनेक्शन घर में है। आरती जी, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ठीक है, नहीं मिलता है। ठीक है आरती जी, आपकी बात सुनी। अब सुन लीजिए आरती जी, आप कह रही हैं कि पानी का स्रोत क्या है हमें पता होना चाहिए, बिजली आप तक पहुंच रही है या नहीं ये हमें पता होना चाहिए। तो जब ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं ये तो तभी पता चल जाता है कि पानी आ रहा है कि नहीं कॉलोनी में, बिजली कितने महीने से नहीं आ रही है, तमाम जगह सड़कों के लिए प्रदर्शन किया जाता है तभी पता चल जाता है कि यहाँ सड़कें नहीं है। प्रदर्शन से डेटा नहीं पता चलते, प्रदर्शन से सिर्फ एक बात सामने आती है और रियलिटी आती है एक एक चीज एक एक डेटा से कि मेरे अगर इतने गाँव में कितनों में बिजली पहुंची, कितनों में पानी नहीं है, कितने में शौचालय नहीं है, कितने लोग आज भी
अरुण जी कितने सहमत हैं आप इस बात से? जी देखिए, अब आरती जी जवाब ले लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी भी कुछ कह रहे हैं। आप ये देखिए, ये आरती जी को बोलिए हम ब्रांडिंग नहीं करें, झूठ ना फैलाएं। जनधन जिस तरीके से, मैं बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं वाराणसी। अरुण जी आवाज पहुंच रही है? चलिए शायद अरुण जी से संपर्क टूट गया है। आरती जी चलिए तो बता दें कि इतनी अगर सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल अब ये भी उठने लगे हैं कि निजता में सरकार क्यों इतने निजता के लिए इतना अंदर जा रही है? क्या ये लोगों की निजता पर निजता भंग नहीं होगी इतने सवालों से? एक एक सवाल इतना पूछना कि आपके पास कितने मोबाइल हैं, कितने लैपटॉप हैं, क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर वाकई सरकार को ये चिंता है कि लोगों तक हमारी सुविधाएं सेवाएं पहुंच रही हैं या नहीं, तो पहले उन प्रदर्शनकारियों को देख लिया करें। गर्मी आएंगी तब लोग सड़कों पर आ जाएंगे कि हमारे तक पानी नहीं पहुंच रहा है। क्या सिर्फ एक उनका डेटा इकट्ठा करना सरकार का मकसद है या उन तक सुविधाएं पहुंचाना भी? क्योंकि तमाम जगह प्रदर्शन होते हैं बिजली के लिए, तमाम जगह प्रदर्शन होते हैं पानी के लिए, तमाम जगह प्रदर्शन होते हैं सड़कों के लिए। ऐसे प्रदर्शनों से साफ हो जाता है कि सरकार की सेवाएं यहां तक नहीं पहुंच रही है और सरकार डेटा कलेक्ट करने के लिए इतने सवाल पूछ रही है। जी अरुण जी आप कुछ कह रहे थे? मैं वही भानु जी बता रहा था कि इतना मुझे ये बात सुन के आरती जी का मैं आश्चर्यचकित हुआ और हास्यास्पद ये बात कर रही थी कि आज इनको 6 साल मोदी जी को सरकार चलाते हो गया, 5 साल अटल जी ने भाजपा के ही उसमें सरकार चलाया, प्रधानमंत्री थे, अभी तक इनको इस देश के मूलभूत जो समस्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी आरती जी ने कहा कि इस देश में जो मूलभूत समस्या है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए इतने ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है। सरकार 6 साल से केंद्र में बैठी हुई है मोदी की सरकार और उनको ये इस देश की मूलभूत समस्या की जानकारी ही नहीं है। लेकिन अरुण जी ठीक है, चलिए मूलभूत समस्या की जानकारी नहीं है। और मैं आपको बता दूं भानु जी कि कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, वो इस देश को देने का काम करती थी, इस देश को आगे ले जाने का काम करती थी। स्वर्गीय प्रदर्शन तो तब भी होते थे, गांधी जी थे, इस देश में लोगों को मोबाइल और लैपटॉप दिए। अरुण जी पानी तब भी मुहैया नहीं होता था लोगों को, गर्मियों के दिनों में मटका फोड़ प्रदर्शन होते थे कांग्रेस के वक्त में भी और आज भी हो रहे हैं। वक्त सरकारें बदली है लेकिन शायद व्यवस्थाएं नहीं बदली अभी तक। लेकिन हमारी जो नीतियां थी वो सही थी, हमारे नियत सही थे। आज जो सरकार है उनका नियत और नीति बिल्कुल गलत है, उनके नियत अच्छे नहीं है। अगर नियत अच्छे होते तो आज इतना बड़ा देश में स्टूडेंट छात्र प्रदर्शन कर रहा है। आपको पता होगा ये छात्र कौन है, ये किसी पार्टी से नहीं आते, ये पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि छात्रों के कंधे पर रखकर राजनीति की बंदूक भी तो चलाई जा रही है। जी उन्हीं छात्रों के कंधे पर रखकर राजनीति की बंदूक भी चलाई जा रही है, जो राजनीति से अनभिज्ञ है उनसे राजनीति करवाई जा रही है। अरे भाई जब सरकार उनको मार रही है तो उनको उनके दर्द को बांटने, उनके साथ सहयोग देने तो पार्टियां जाएंगी ही, क्यों नहीं जाएंगी? आप ही बताइए, आज मीडिया को ही अगर ले लेते हैं तो आपको पता होगा गौरी लंकेश, उसके पहले अभी कुछ दिन पहले मीडिया पे हमला हुआ, यही जेएनयू में गुंडे जो थे वो एक राष्ट्रीय चैनल के कैमरे तोड़ दिए, तो मीडिया पे भी हमला होता है तो हमारी पार्टी सबसे पहले खड़ी होती है। आपको पता होगा हमारे नेता राहुल गांधी जी रोड पर एक मीडिया पत्रकार गिर गए थे और उनको लेकर के अपनी गाड़ी में बैठा करके फर्स्ट एड कराया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर पत्रकार गिर गई तो उनके जूते तक, हमारे प्रियंका गांधी जी उनकी जूता लेकर के अपने हाथ में और आप ही के चैनल ने चलाया। तो हम लोग इस देश में अच्छी नीयत और अच्छी नीति के साथ सरकार चलाना चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी रोकना चाहूंगा। शिव अनुराग कटेरिया जी हमारे साथ, पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। शिव जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। शिव अनुराग जी, सरकार जो जनगणना 2021 के लिए अभियान चलाएगी उसमें तमाम सवालात हैं, 31 सवाल हैं तकरीबन, जिसमें ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपकी निजता को कुरेद कर बाहर ला देंगे, क्या ये इतने सवाल, इस तरह के सवाल सही हैं? देखिए कुल मिलाकर देखने का नजरिया है, ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधा खाली है। निश्चित तौर पर निजता से भरे कुछ सवाल होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे वो सेंसस हो,
चाहे हाउस सर्वे हो, अगर आप उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे तो कुल मिलाकर बिहेवियरल हैबिट देखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है ताकि फ्यूचर प्लानिंग ऐसे की जा सके। लेकिन अगर इन आंकड़ों का दुरुपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर बुरी बात है। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा क्या है, जैसे तलवार है, एक तलवार रक्षा के लिए उपयोग होती है और वही तलवार किसी की हत्या में उपयोग होते तो उसके पीछे नियति क्या है, किस नियत के साथ में आप उसे उसका उपयोग आप कर रहे हैं। अगर आपकी नियत खराब है तो फिर आपके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप लेकिन लेकिन शिव अनुराग जी, जिस तरह से ये जनगणना हो रही है और अब जनगणना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होगी, कागज का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, सोशल आपको एक मोबाइल पे या लैपटॉप या टैबलेट पर आपकी पूरी जनगणना होगी, उसमें आपको रखा जाएगा। अगर ये डाटा लीक हो गया तब कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात का प्रिकॉशन रखा गया, जो मेरी जानकारी है ये डाटा इंक्रिप्टेड डाटा के तौर पे यूज होगा, रियल टाइम ये डाटा जैसे ही फीड होगा ये सर्वर में चला जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी चिंता आपको है उतनी सरकार और उनके नियामकों को भी है कि जब बड़ी योजना होती है तो निश्चित तौर पर कुछ दिक्कतें होती हैं। इसी तरह के कुछ सवाल जब आधार कार्ड लागू हुआ था तब किए गए थे, एक अखबार ने भी दावा किया था कि हम आपके उस पर चेंज कर सकते हैं, तब जो आधार की नियामक इकाई है उसने बहुत ही कड़े तरीके से प्रतिवाद किया था। मुझे लगता है कि वी शुड बी प्रोग्रेसिव, हमें आगे बढ़ने की तरफ देखना चाहिए। अगर सरकार के पास डाटा है तो आपके अन्य की व्यवस्था कर सकती है, उसको फूड हैबिट मालूम है तो उसे एक अंदाज हो सकता है कि लोग किस किस्म का खाना पसंद करते हैं। दिक्कत क्या है कि हम हिंदुस्तानियों की ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि हर परिवर्तन को हम असहजता से स्वीकार करते हैं। आधार को जिसको सब पहले बीजेपी गाली देती थी और कांग्रेस समर्थन करती थी, जब बीजेपी लाई तो कांग्रेस गालियां देने लगी, फिर उसको बैंकिंग से जोड़ा गया, फिर गालियां दी जाने लगी। शिव अनुराग पटेरिया जी, क्योंकि हालात वक्त वक्त पर ऐसे आते रहते हैं कि भरोसा करना उतना आसान नहीं है। फेसबुक पर फेसबुक सालों से इस्तेमाल हो रही है, उस पर भी लोगों को भरोसा था, उससे भी डाटा लीक होता रहा। जी जी जी, देखो ये सब कुछ होगा, अस्पतालों में ऑपरेशन होते हैं, थिएटर पर बहुत से मरीज मर जाते हैं, कई बार उनके पेट में चलिए बिल्कुल बिल्कुल शिव अनुराग पटेरिया जी, रोकना चाहूंगा आपको, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल हम अपने अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। जेएनयू पहुंचना फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के लिए भारी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। माहौल और हिंदुवादी संगठनों की धमकी को देखते हुए कई सिनेमा हॉल संचालकों ने छपाव फिल्म का शेड्यूल नहीं लिया तो कई सिनेमाघर हाउसफुल चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में धमकी देकर हिंदुवादी संगठनों ने सिनेमाघरों के बाहर चेतावनी भरे होर्डिंग लगा दिए। यहां पर 4 प्रमुख सिनेमा हॉल हैं जिन्होंने छपाक फिल्म को रिलीज करने से इनकार कर दिया, तो वहीं सहारनपुर में फिल्म की एडवांस बुकिंग नहीं हुई, इससे भी विरोध से जोड़कर इसे भी देखा जा रहा है। बता दें कि छपाक फिल्म एसिड अटैक पीड़िताओं के ऊपर आधारित है। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने इसमें अभिनय किया है। नागरिकता कानून के विरोध को लेकर जेएनयू में हुए हमले को लेकर दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची थी, जिसको लेकर विरोध चल रहा है। छपाक और तानाजी फिल्म को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में कुछ अलग सी होड़ मची हुई है, जहां कांग्रेस ने लोगों को दीपिका की छपाक फिल्म देखने के लिए टिकटें बांटी तो बीजेपी ने तानाजी फिल्म देने के लिए लोगों को टिकटें बांटी उसको देखने के लिए। सपा ने इस संबंध में ट्वीट किया है कि इसमें कहा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को छपाक फिल्म दिखाएगी। इसके लिए लखनऊ में एक हॉल बुक किया गया है, तो वहीं आजाद हिंदूवादी नेताओं की ओर से ग्रेट वैल्यू मॉल डीडी सिनेमा के बाहर होर्डिंग लगाए हैं कि नहीं छपाक फिल्म देखेंगे और ना ही देखने देंगे। अजीब इत्तेफाक हो गया है देश में कि अब फिल्मों को लेकर भी राजनीति होने लगी है। जी हमारे साथ भी काफी अच्छी है, बहुत मोटिवेशनल है, जैसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम हार मान लेते हैं कि मतलब हमसे नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मतलब वो मूवी से मोटिवेट हुए हैं ना, तो मतलब जो अंदर की कुछ पावर है वो दोबारा मतलब पावर एक पावर है वो दोबारा आई है कि मतलब कितने भी प्रॉब्लम्स हो मतलब हार नहीं माननी, हम कर सकते हैं, मतलब हर कोई कर सकता है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो मतलब हम जीत सकते हैं। दीपिका का जो कैरेक्टर है जो आज तक उसने किया है उसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, उसने हमें ये सिखाया मतलब जैसे हम जितने भी लड़कियाँ हों या चाहे लड़के भी हो ना, हम अपनी ब्यूटी को ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसने हमें ये सिखाया कि मतलब कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, जो हमें सीखना चाहिए।
फिल्म तानाजी को लेकर भी राजनीति देश में शुरू हो गई है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं अरुण चतुर्वेदी जी, कांग्रेस से, और राजनीतिक विश्लेषक हैं शिव अनुराग पटेरिया जी, और अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, सबसे पहले सवाल भी आपसे ही यहां बनता है कि आखिर दीपिका पादुकोण अगर जेएनयू जाती हैं तो इस पर राजनीति इतनी तेज क्यों हो जाती है? उन्होंने तो वहां कुछ जाकर बोला ही नहीं है। अगर वे छात्रों के साथ खड़ी हो जाती हैं तो राजनीति शुरू हो गई? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि दीपिका वहां पे जाती हैं और लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि दीपिका को नहीं जाना चाहिए, और विपक्ष बोल रहे हो, सरकार के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए और उनके आने वाली मूवी जो है उसको बैन किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज बताइए, वो मूवी जो बनी है वो संदेश दे रही थी इस देश को, वो जो संदेश था उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या संदेश था पहले उसको देख तो लेते। वो संदेश यही था कि जो एसिड अटैक पीड़िता होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती है, उसमें एक जान, एक अलग जिंदगी जीने का जज्बा सिखाती है यह मूवी। आपको याद होगा भानु जी कि दीपिका जी की एक और मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें करणी सेना ने विरोध किया था, और उसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो लोगों ने कहा कि पहले आप मूवी देख तो लीजिए, अगर देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मूवी अच्छी बनी है। लेकिन उसके पहले ही इतना उस मूवी का विरोध किया गया था, आपको याद होगा कई जगह हिंसा भी हुई थी इसको लेकर के। तो मैं ये चाहता हूँ कि कलाकारों पर पहली बात तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो कलाकार जो इस देश के लिए एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, एक महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस महिला के ऊपर एसिड अटैक होता है, जो महिला छुपने लगती है, जो महिला अपने आप को असहज महसूस करती है, टूटने लगती है, उस महिला को फिर से एक जान फूंकने के लिए मूवी बनाई है। अरुण त्रिपाठी जी, जी आपको रोकने चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद जी। और हमारे साथ रजनीश जी राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग जी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। सवाल वही है कि आखिर कलाकारों को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? दीपिका का आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया? क्या वो जेएनयू छात्रों के साथ चली गई इसलिए उनकी फिल्म का विरोध हो रहा है, या उन्होंने वहां जाकर खुद एक राजनीति को जन्म दे दिया? देखिए पहली बात तो ये है, अभी जो सज्जन बोल रहे थे, मैं उनको अरुण त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस नेता, तो उन्होंने 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 त्रिपाठी जी ने जो कहा कि भाजपा ने बैन लगाने की मांग की है, भाजपा ने इसके लिए बायकॉट करने की मांग की है, भाजपा ने अधिकृत तौर पर ऐसी कोई मांग नहीं की है जी, इसलिए गलत फहमी ना फैलाएं, एक बात। दूसरी बात, जनता में अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग उठ रही है तो उतना ही लोकतांत्रिक अधिकार जनता में लोगों को है ना, जी लोगों को अपनी बात कहने का, जैसे दीपिका पादुकोण को हक है जी। और उनको स्टैंड लेने का हक है कि वो वामपंथी जो लोग वहां हैं उनका पक्ष लें, जो दूसरे छात्र पिटे हैं उनके तरफ झांके भी ना, ये उनको अगर स्टैंड लेने का हक है, पक्षपात करने का हक है, तो क्या जनता को अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने का हक नहीं है? उनसे छीन लेंगे? दूसरी बात ये है कि कोई कौन सी फिल्म देखे ना देखे ये जनता तय करेगी, दर्शक तय करेंगे जी। ये कौन सा संदेश देने वाली है? कोई फिल्म गलत संदेश देने के लिए बनती है क्या, जिसको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देता है? तमाम गरीबी के ऊपर, खेती के ऊपर, देश के ऊपर खूब फिल्में बनती हैं, हर एक समस्या को लेकर फिल्म बनती है, मुद्दे को लेकर फिल्म बनती है, अच्छा संदेश देने के लिए ही फिल्म बनती है। तो कांग्रेस सरकार जिन्होंने इसको टैक्स फ्री किया है, वो पैसे से जो टैक्स का पैसा आता इन महिलाओं पर खर्च कर देते, आर्थिक आत्मनिर्भर बना देते, इनका इलाज करा देते, इनके अगर कानूनी सहायता चाहिए तो वो मुहैया करा देते, जो आरोपी नहीं पकड़े गए उसके जतन कर लेते। तो केवल अगर जेएनयू गई है दीपिका पादुकोण तो इसीलिए उनकी फिल्म अब तो वो सम्मान भी करने वाले। सुझाव आपका। शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। शिव अनुराग पटेरिया जी, क्या वाकई स्टारों को इस तरह के विवादों में कूदने की जरूरत है? क्या सिर्फ ये अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए करते हैं? और अगर वे अपनी फिल्म के लिए, प्रमोशन के लिए करते हैं, तो इस तरह के विवादों को जन्म क्यों दे दिया जाता है? देखिए फिल्मों के प्रमोशन को इस तरह के कौतुक का हथकंडे होते रहते हैं, और इसमें किसी अभिनेता का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं होता। जो मीडिया मैनेजमेंट कंपनी होती है
और वो इस तरह की चीजें तैयार करती है। अक्षय कुमार एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में पहुंच गए थे, उनका झंडा रहे थे। तो इस किस्म की एक हथकंडे होते हैं जिसमें हम दर्शक और दूसरे लोग मीडिया फंस के रह जाता है। दर्शक मुद्दे की बात करना चाहिए, मुद्दे के बारे में हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। दीपिका पादुकोण की किताब की फिल्म को अगर आपने टेक्स्ट फ्री किया है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर चीज के पीछे नीयत देखी जाती है। सिर्फ कांग्रेस राज्य ही सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या दीपिका पादुकोण अगर जेएनयू में नहीं पहुंची होती तो क्या ये सब कुछ होता? ये कुछ सवाल है और इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। दूसरा, टेक्स्ट फ्री करने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला, आज मीडिया रिपोर्ट से है। बिल्कुल शिव अनुराग पटेरिया जी, माफी चाहूंगा यहाँ आपको रोकने के लिए, इजाजत नहीं दे रहा वक्त हमें आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।